नमस्ते भारत पे आप खबर आपके सरोकार की। अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले दूसरे देशों के लोगों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। भारत के लिहाज से देखें तो इन नए नियमों से भारतीय को वैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। मार्च 2020 में भारत समेत 33 देशों के नागरिकों पर कोरोना के डर से अमेरिका ने पाबंदियां लागू की थी। वैक्सीन के दोनों डोज लिए अमेरिकी यात्रियों को 3 दिन पहले की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीन न लगवाने वालों को 24 घंटे पहले की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। यात्रा के लिए विदेशी नागरिकों को दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में से छूट दी जाएगी। As of November 8th, foreign national air travels to the United States will be required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States. This policy puts public health first. भारत के लिए फायदे की बात इसलिए है क्योंकि भारत उन 33 देशों में शामिल था जिन्हें कोरोना प्रभावित मानकर उसके यात्रियों का अमेरिका आना सीमित कर दिया गया था। अब तक अमेरिका ने देशों के आधार पर प्रतिबंध लगाया था, अब नियमों का आधार वैक्सीन कर दिया गया है। बीच ये कि FDA या WHO की मंजूरी वाली वैक्सीन लगवाने वालों को ये राहत मिलेगी। इसके मायने ये है, कोविशील्ड लगवाने वाले अमेरिका जा सकेंगे क्योंकि इस वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिली है, लेकिन कोवैक्सीन या स्पुतनिक वाले अमेरिका अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इन वैक्सीनों को अभी मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि राहत की बात यह है, आज ही वैक्सीन पर मंजूरी के लिए WHO की बैठक भी होने वाली है। अगर बैठक में मंजूरी मिल जाती है तो कोवैक्सीन वालों के लिए भी अमेरिका जाने का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, देश के कई राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं कि इजाफा कितना है। टच स्क्रीन पर है प्रतिमा। तो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसे में टच स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि देश में 5 वो राज्य कौन से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक टॉप 5 राज्य हैं। केरल की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ पर 6,664 मामले आए हैं और 53 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे अहम राज्य की जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। तो पिछले 24 घंटे में यहाँ 1,112 केस आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात करें जो एक समय पर एपिसेंटर रहा है, वहां भी हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटे में 889 केस आए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है कोरोना के कारण। पश्चिम बंगाल के भी आंकड़े आपके सामने, 805 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में और 11 लोगों की मौत हुई है। और आखिर में कर्नाटक है जिसमें पिछले 24 घंटे में 290 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। तो देश के 5 राज्यों का आपने हाल जाना, अब आपको दुनिया के 5 देशों का भी हाल बता देते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले नंबर पर है रूस। रूस में पिछले 24 घंटे में 37,930 मामले आए हैं कोरोना के और 1,069 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां पर पिछले 24 घंटे में 31,404 केस आए हैं और 297 लोगों की मौत हो गई है। तीसरे नंबर पर भारत है जहां पर पिछले 24 घंटे के केस की बात करें तो आंकड़ा है 14,306 का और 443 लोगों की मौत हो गई है। ईरान की बात करें जो कि चौथे नंबर पर है, यहां पर पिछले 24 घंटे में 7,516 केस आए हैं और 140 लोगों की मौत हो गई है। और आखिर में टॉप 5 देशों में है ब्राजील जहां पर पिछले 24 घंटे में 5,797 केस आए हैं और 122 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बहुत जरूरत है कि आप मास्क पहने, सारी सावधानियां बरतें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ABP News, आपको रखे आगे।